अच्छा, अब नेक्स्ट रीजन जो हमारे पास ईसोफेजाइटिस की है वो जर्ड है। जर्ड जैसे आपको नाम नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ईसोफेगस है और नीचे ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, तो गैस्ट्रिक का रिफ्लक्स होता है ऊपर और उसकी वजह से जो डिजीज स्टेट आती है उसे हम लोग जर्ड कहते हैं। ठीक है, सो वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंट रीजन जो ईसोफेजाइटिस की है वो हमारे पास जर्ड है। ठीक है, अब आपको थोड़ी बहुत पैथोजेनेसिस ऑलरेडी समझ आ गई है, थोड़ी बहुत जो है वो हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मली बेटे ये होता है कि ये जो ईसोफेगस है इसके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है, ये फूड के लिए तो रेजिस्टेंट होता है, यानी फूड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिड से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी अगर एसिड ऊपर आया तो एसिड आके इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब नॉर्मली एसिड ऊपर क्यों नहीं आता, इसलिए नॉर्मली एसिड नहीं आता कि प्रोटेक्टिव मैकेनिजम्स पड़े हुए होते हैं। जाहिर अगर वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिस्टर्ब होंगे तो मसला क्रिएट होगा। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दो है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये है कि यहां पर ये जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल ईसोफेगस है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल ईसोफेगस, इसके पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिन और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट। अगर वहां पे एसिड आता भी है तो म्यूसिन जो है वो उसको मिक्स करके डाइल्यूट कर देगा और बाइकार्बोनेट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। नॉर्मली ऐसे होता है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि आपके पास ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फेस में रहता है, कंस्ट्रिक्टेड रहता है, तो कॉन्टेंट इतना ऊपर जाता भी नहीं है। दूसरी बात यह आपने याद रखनी है कि लोअर फीजल स्फिंक्टर जो है वहां पे टोन काफी ज्यादा इनहेंस है या इंक्रीज होती है, नॉर्मली तो ऊपर रिफ्लक्स नहीं होता। तो फिर होता क्या है कि डिजीज हो जाता है, तो पैथोजेनेसिस हमने ये बतानी है कि कोई ऐसी रीजन हुई, ऐसी क्या रीजन हुई कि आपके पास ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये बिल्कुल ही फेल हो गया, और जब ये फेल हो गया तो ये प्रॉपरली रिलैक्स हो गया, और जब ये रिलैक्स हो गया तो ये जो स्फिंक्टर था ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ईसोफेगस डायलेट हो जाएगा। जाहिर है जब ये डायलेट होगा तो हमारे पास फ्लूइड जो है या एसिड जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर ये सुवेयरली कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको एक्लेजिया कहते हैं, और ये रिलैक्स हो जाए बिल्कुल एसिड ऊपर जाए तो उसको हम जर्ड कहते हैं। तो एक तो रीजन ये हो सकती है कि आपके पास लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हमारे पास जो एब्डोमिन प्रेशर है ना वो बहुत रेज्ड है। जब एब्डोमिनल प्रेशर रेज्ड है तो वो कॉन्टेंट को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, सो वो कह रहा है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो रेज्ड हुआ हुआ है, अब एब्डोमिनल प्रेशर क्यों रेज्ड हुआ हुआ है, या तो कोई अल्कोहल कंजप्शन है, टबैको है, ओबेसिटी है, सीएनएस का कोई मसला है, प्रेगनेंसी है, हाइटिस हर्निया है, या फिर डिलेड इम्पटिंग है, या गैस्ट्रिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आपकी बुक में बताता है कि डिफरेंट कंडीशंस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं जर्ड के लिए। एग्जैक्ट डेफिनेटिव कॉज हमें नहीं पता, लेकिन पैथोलॉजी में आप यही लिखोगे कि गैस्ट्रिक कॉन्टेंट स्पेशली जो गैस्ट्रिक एसिड है बहुत तेजाबियत जहरीला वो ऊपर जाता है और वो लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस को इरिटेट करता है, डैमेज करता है, इंजरी करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो इस कंडीशन को हम लोग जो है वो जर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जर्ड की अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर एंडोस्कोपी पे हमें क्या नजर आता है, मैक्रोस्कोपी के लिए अगर हम देखेंगे तो वो आपको हाइपरीमिक मिलता है। हाइपरीमिक का ये मतलब है कि काफी ज्यादा रेडर मिलता है, रेडनेस जो है वो नजर आ रही होती है। माइल्ड कंडीशन में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन एडवांस स्टेज पे जब हम माइक्रोस्कोपी के लिए देखते हैं तो हमें इयोजिनोफिल्स तो मिलते हैं, लेकिन इयोजिनोफिल से काफी ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। तो न्यूट्रोफिल और इयोजिनोफिल के नंबर जो है वो काफी ज्यादा रेज्ड हुए हुए होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे पास जो ईसोफेगस की बेजल लेयर है उसके अंदर हाइपरप्लेजिया भी नजर आता है। सो आपने ये बात भी बतानी है कि बेजल लेयर जो है उसमें हाइपरप्लेजिया नजर आता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो लैमिना प्रोप्रिया है उसमें से कुछ पेपिला जो है वो बाहर की तरफ हमें इलोंगेटेड नजर आते हैं। सो आपने ये भी बताना है कि लैमिना प्रोप्रिया से पेपिला की प्रोजेक्शन जो है वो आपको मिल ही होती है। सो मॉर्फोलॉजी पे ये मिलेगा। जर्ड में हमने सिंपल से कहा एक ऐसा डिजीज है जिसमें एसिड ऊपर आएगा, ईसोफेगस को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि शायद ईसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स है या नीचे से प्रेशर बहुत है, सुजार है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। मैक्रोस्कोपी के लिए आपको एंडोस्कोपी पर रेडर और हाइपरीमिक मिलेगा, और माइक्रोस्कोपी के लिए यहां पे इन्फ्लेमेटरी, जाहिर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, यूजिनोफिल्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और पैपिला की प्रोजेक्शन जो है वो आपको मिल सकती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो अबव 40 जो है वो ये काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब अडल्ट्स और चिल्ड्रंस में भी हो रहा है। जब ये होता है तो पेशेंट जो है हार्ट बर्न के साथ आपके पास आके प्रेजेंट करता है, डिस्पीजिया के साथ करता है, मतलब उसको खाने में मसला हो रहा है, उसके बाद कहता है मेरे ना जुबान और गले में एक सौर सा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, गंदा सा, तो वो भी हो सकता है। क्रॉनिक केसेज में इवन वो चेस्ट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, तो आपने इसको रूल आउट करना है। अब ईसोफेजाइटिस को, ये जो जर्ड वाला ईसोफेजाइटिस है, और अगला मैं आपको पढ़ाऊंगी इयोजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं
कि जर्ड के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं, जबकि इओजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस जो कि एलर्जन मेडिएटेड है उसमें इओजिनोफिल रेज होते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जर्ड के जो पेशेंट होते हैं वो पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि इओजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस के पेशेंट पीपीआई को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हो या ये प्रोलॉन्ग हो रहा है और बार बार हो रहा है तो जर्ड की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या मसले हो सकते हैं, वहां पे अल्सरेशन डेवलप हो सकती है जो काफी ज्यादा पेनफुल होती है, अल्सर्स बन सकते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटमेसिस यानी खून आ सकता है, उसके बाद मेलेना होता है, मतलब उसको पेशेंट को बिल्कुल जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, भूख नहीं लगती, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, ईसोफेगस बहुत ही ज्यादा नैरो सा हो सकता है, सो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, इवन बैरेट ईसोफेगस डेवलप हो सकता है। और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि बैरेट ईसोफेगस जब बन जाता है तो वो एक जमीन ईजाद कर देता है कैंसर के लिए, सो आगे जाके एडीनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। सो ये जर्ड की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अल्सरेशन है, हेमाटमेसिस है, मेलेना है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैरेट ईसोफेगस एंड इवन कार्सिनोमा। एक और टर्म यहां पे उन्होंने साथ में एक्सप्लेन की हुई आपकी बुक के अंदर, हाइटस हर्निया क्या होता है, हाइटल हर्निया क्या होता है, जब स्टमक आपका ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ ईसोफेगस या एनी कंजेनिटल डिफेक्ट स्टमक जो है वो थॉरेक्स के अंदर आ जाए तो उस कंडीशन को हम हाइटस हर्निया कहते हैं। सो हाइटस हर्निया भी ये जो जर्ड है कॉज कर सकता है, क्योंकि स्टमक ऊपर होगा तो ईसोफेगस छोटा होता है तो एसिड रिफ्लक्स जो है वो बहुत इजीली होता रहता है। ठीक है, सो ये बात हो गई जर्ड की। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ जिसमें वो कह रहा है इओजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस क्या है। तो नाम से ही में पता चल रहा है कि इस तरह के ईसोफेजाइटिस के अंदर जब हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड लेंगे तो इओजिनोफिल नंबर जो है वो बहुत ज्यादा रेज्ड होगा। तो इओजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस के बारे में वो ये बता रहा है कि ये एक क्रॉनिक इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड है। अब ये इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड क्यों है, क्योंकि इसमें ना एलर्जिक रिएक्शन होता है और एलर्जिक रिएक्शन में आपको पता है इम्यूनिटी का रोल होता है। सो ये क्रॉनिक इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि इसमें किसी फूड का इंफेक्शन हो सकता है, यानी शायद आप बच्चे को जब काउ मिल्क दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई एलर्जन है और वो जाके डिस्टर्ब कर देता है ईसोफेजाइटिस वाली जगह पे, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, तो ये चीज हो सकती है। अब इसकी जब हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो हमें एक तो इओजिनोफिल का नंबर काफी ज्यादा रेज्ड मिलता है जिसकी बेस पे हम इसको बाकी ईसोफेजाइटिस से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को रिस्पॉन्ड नहीं करता जबकि बाकी करते थे, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप एलर्जन फूड को डिटेक्ट करें, आप देखें किस फूड के बाद कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होती हैं, फॉर एग्जांपल काउ मिल्क हो सकता है, सोया बीन वगैरह हो सकते हैं, तो फिर आप लोग जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास बैरेट ईसोफेगस, वो मैं आपको बताती हूं।